फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज, मैं चाहूंगा कि आप खड़े में पी आर हम यू ले, ऊपर पी लिखा उसके नीचे आर, खड़े में एक बार आप लिख ले प्रिंट पी आर आई एंड द लास्ट ही टॉरेबल। प्रिंट मीडिया क्यों सशक्त है? सबसे पहले ये परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है? आपको पता है जब आप सुबह अखबार उठाते हैं आपको ये नहीं तय करना किसी भी अन्य माध्यम में कि मैं ये खोलूंगा, टीवी ऑन किया तो इस वक्त न्यूज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, इस वक्त सास बहू का रोना दिखाया जा रहा होगा टीवी पे किसी न्यूज चैनल पे, या राखी सावंत का शो दिखाया जा रहा होगा कि उस पर आखिर किसका आज स्वयंवर का फाइनल है, किसको पति चुनेगी किसको। अखबार में फिक्स है, आपको पता है कि आपको सुबह उठते ही अखबार मिलेगा आपके घर के बाहर, तो अखबार मिलेगा। एंड जो जो चीज जहां जहां मिल रही है स्पोर्ट्स की चीजें आपको मिलेंगी, परफेक्ट है, बिल्कुल मिलेगा। फ्रंट पेज पे दुनिया की सबसे जो सुर्खियां रही, आपके शहर की सुर्खी रही, सबसे इंपॉर्टेंट खबर, परफेक्टली आपको मैनेज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मेरे ख्याल से पत्रकारिता के और जनसंचार के जो भी आप माध्यम देखेंगे उनमें परफेक्टनेस नहीं है, चाहे टीवी हो, चाहे वो आप वेब जर्नलिज्म पे चले जाएं, चाहे रेडियो जर्नलिज्म। रिलायबल, हम सब जानते हैं अखबारों के लिए कहा ही जाता है, अखबार और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब चर्चा की जाती है तो रिलायबिलिटी विश्वसनीयता प्रिंट मीडिया के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले ही कह दिया है, इस चीज में मैं माफी मांग चुका हूं कि कतिपय अपवादों को हम एक बार दरकिनार कर दें, उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, इस बार हम पॉजिटिवली सोचेंगे और दोनों में कंपेयर करें हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो हम पाएंगे कि विश्वसनीयता ज्यादा है। यहाँ वैसे फ्लैश नहीं चलते कि साहब अभी अभी वहां पे सब बम है और थोड़ी देर बाद पता चला बम की कोई खबर ही नहीं है। एक समय मिलता है अखबार को पूरा 24 घंटे का, चाहे वो सायंकालीन हो चाहे वो मॉर्निंग अखबार हो, उसे खबर को परखने का और आप तक विश्वसनीयता पहुंचाने का, पाठक तक विश्वसनीयता पहुंचाने का। आई डोंट नो, यदि हम किसी भी अखबार के एडिट पेज को देख लें तो हम ये बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके एक बार तो कह सकते हैं कि हाँ, आदर्श का रास्ता तो दिखाता ही है। आप लोगों की उस बात से सहमत हूं कि बहुत से पेज, बहुत से पुलाव, बहुत से ऐसे सेगमेंट्स आने लग गए हैं जिन्हें आदर्श बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर मेरी वही कहने बात है कि नेगेटिव पॉइंट्स को हम साइड में उठा के रख ही चुके हैं। एडिट पेज पे हम जाएं तो हमें एक आदर्श का रास्ता, हमें एक दिशा प्रिंट मीडिया देता है, हमेशा देता रहेगा। नेसेसरी, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह अखबार ना मिले, सुबह मॉर्निंग टी हजम नहीं होती, पूरा दिन शुरू नहीं होता, और इसका उदाहरण आप सब लोग देख चुके होंगे, जब अखबार में 6 दिन का साल में अवकाश रहता है, 2 होली की छुट्टी, 2 दिवाली की छुट्टी, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो लोग कैसे एक दिन पुराना अखबार सहेज कर रखते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो एक दिन पहले अखबार नहीं पढ़ते हैं, या जो सेगमेंट्स आते हैं उठा के रख देते हैं, इसे तो आज नहीं पढ़ेंगे, कल शुरू नहीं कर रहे, कल पूरा दिन छुट्टी क्या करेंगे। तो अखबार की जो एक नेसेसरी आम आदमी के जीवन